क्राइम ब्रांच ने नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम ने इनके पास से 2,60,000 रुपए के नकली नोट, लैपटॉप, प्रिंटर, पेपर और केमिकल जब्त किए हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि अब तक इन्होंने 10,00,000 रुपए तक के नकली नोट छाप चुके हैं। नोटों की छपाई इस प्रकार से की जाती थी कि आसानी से असली और नकली की पहचान नहीं हो सकती थी। DIG हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि क्राइम ब्रांच को मुखबिर ने सूचना दी थी कि पाटनीपुरा क्षेत्र में कुछ लोग 2,000, 500 और 100 रुपए के नकली नोट चलाने की फिराक में घूम रहे हैं। इसके बाद MIG पुलिस के साथ मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 लोगों को पकड़ा। डैश गिरफ्त में आए आरोपी नरेंद्र की तलाशी लेने पर उसके पास से 2,000 के 15 नोट और 500 के 5 नोट मिले। वहीं राजेश के पास से 2,000 के 12 नोट और 500 के 3 नोट मिले। तीसरे साथी चंद्रशेखर की तलाशी लेने पर उसके पास से 2,000 के 20 नोट और 500 के 4 नोट बरामद किए। डैश पूछताछ में इन्होंने बताया कि उन्हें नकली नोट पीठमपुर का रहने वाला नरेश पवार देता है। इसके बाद पुलिस नरेश को पकड़ाने पहुंची तो यहां एक मकान में नरेश और रामेश्वर नकली नोट छापते हुए मिले। यहां आरोपी नरेश के पास से टीम को 83,500 रुपए के नकली नोट मिले।